और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, हरियाणा बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बनाई है नई टीम, प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, 7 प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से नई टीम का गठन कर दिया गया है। हरियाणा बीजेपी में संगठनात्मक तौर पर कई नियुक्तियां हुई हैं और नई टीम एक तरह से सामने आई है, नायब सिंह सैनी की, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। इसके साथ साथ 7 प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। 4 महामंत्रियों की हुई है नियुक्तियां, 7 प्रदेश सचिव भी बनाए गए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, चाहे जिलाध्यक्ष की बात हो, उपाध्यक्ष की बात हो या फिर बात हो सचिव की, तमाम जगहों पर कई नियुक्तियां देखने के लिए मिली हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की नई टीम सामने आ चुकी है और कई बड़े अधिकारी जो हैं, पदाधिकारी लगाए गए हैं। 2024 के चुनावों से पहले संगठन में नए जान फूंकने की और मजबूती प्रदान करने की एक तरह से पूरी कोशिश यहां दिखाई दे रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नई टीम बनाई है और इसके तहत जो नियुक्तियां हैं वो दरअसल कर दी गई हैं। गौरतलब है कि जब से प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी बने हैं उसके बाद से लगातार और सक्रियता बढ़ी है और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, जब से नायब सैनी ने कमान संभाली है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, एक नई सक्रियता पार्टी संगठन में दिखाई दे रही है और उसके तहत जो नई टीम है उसमें भी आज नियुक्तियां कर दी गई। जी बिल्कुल, हरियाणा भाजपा ने अपने संगठन विस्तार पर आखिरकार अंतिम मोहर लगा दी है और सूची जो है वो जारी कर दी गई है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के अध्यक्ष बनने के बाद से चर्चाएं थी कि हरियाणा में भाजपा का संगठन विस्तार होगा, लेकिन अब नए साल के तीसरे दिन इस सूची को जारी किया गया है। कई चेहरों को मौका दिया गया है और संगठन की जिम्मेदारी जो है वो उनको सौंपी गई है। महामंत्री के तौर पर मोहनलाल बड़ोली जो है उनको नियुक्त किया गया है। हालांकि मोहनलाल बड़ोली पहले ही प्रदेश महामंत्री के पद पर काम कर रहे थे, अभी एक बार फिर से उन पर भरोसा जो है वो जताया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र पूनिया को जो वो प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। अर्चना गुप्ता को महामंत्री बनाया गया है और फणिंदर नाथ शर्मा जो है वो प्रदेश महामंत्री संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं, फिलहाल वो प्रदेश महामंत्री संगठन के काम काज को संभालते रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष की बात करें तो वेदपाल एडवोकेट को, कृष्णलाल पवार को, बंतो कटारिया को, संतोष यादव को, डीएल शर्मा को, विपुल गोयल को, इनको जो है वो प्रदेश में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरीके से 22 जो जिले हैं, जिला अध्यक्ष के तौर पर पंचकुला में दीपक शर्मा और इसी तरीके से अंबाला में मंदीप राणा, राजेश तपड़ा को यमुनानगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा निताशा शिहाग को सिरसा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी तरीके से तमाम जो जिले हैं उन जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सोशल मीडिया के लिए अरुण यादव को सोशल मीडिया प्रमुख बनाया गया है। कार्यालय सचिव के तौर पर गुलशन भाटिया और भूपेश जो पुराना है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोषा अध्यक्ष के तौर पर अजय बंसल और वीरेंद्र गर्ग को जो वो कोषा अध्यक्ष और सह कोषा अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। जी पवन, हम अपने दर्शकों को भी लगातार ये सूची अब दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम जिलों को यहाँ पर जगह दी गई है और एक के बाद एक नियुक्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। 2024 को अगर हम संदर्भ में रखें तो किस तरह से अब और मजबूती दिखाई देगी पार्टी संगठन में जो पहले से बहुत मजबूत है? बिल्कुल, देखिए अभी जो संगठन विस्तार की सूची हरियाणा भाजपा ने जारी की है इसके ऊपर लंबा मंथन हुआ है। पिछले करीब 2 सप्ताह से लगातार इसके ऊपर चर्चाएं, बैठक हो रही थी, अलग अलग स्तर पर इसको लेकर रणनीति बन रही थी। आखिरकार अब जो सूची जारी हुई है उस सूची के आधार पर ये कह सकते हैं कि संगठन के नजरिए से 2024 में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर इन तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, लेकिन संगठन के नजरिए से जो संगठन विस्तार की सूची है वो जारी कर दी गई है। 22 जिलों के लिए जिला अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया प्रमुख की नियुक्ति हुई है। कार्यालय सचिव के तौर पर
कार्यालय सचिव और सह कार्यालय सचिव के तौर पर नियुक्ति हुई है, कोषा अध्यक्ष और सह कोषा अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसी तरीके से प्रदेश सचिव के तौर पर 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश महामंत्री के और प्रदेश महामंत्री संगठन के तौर पर 4 नेता जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर 7 नेताओं को पार्टी ने मौका दिया है, जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस तरीके से 2024 के लिए हरियाणा भाजपा की इसे एक मजबूत टीम के तौर पर इसको सूची को जो जारी किया गया है। जी पवन, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, नई टीम का ऐलान हो गया, नई टीम आ चुकी है मैदान पर, कब से इस तरह से जो नई टीम का काम है वो दिखाई देगा, इसको लेकर किसी प्रकार का खाका प्लान तैयार किया गया जो सामने अभी तक आया गया है? बिल्कुल, देखिए जो नई टीम है, हालांकि तमाम इसमें जो पदाधिकारी हैं वो पहले अलग अलग रूप में काम कर रहे थे, अलग अलग तरह की जिम्मेदारी थी, अब जो है वो उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, जिलों से जो है वो जो जिला अध्यक्ष थे उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है, कई जिलों के जो अध्यक्ष हैं उनको प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी मिली है। तो इस तरीके से जो संगठन में एक कह सकते हैं कि फेरबदल करते हुए एक संतुलित सूची जारी करने की कोशिश हरियाणा भाजपा ने की है, और अब ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में नए संगठन के विस्तार के साथ जो है वो और ज्यादा रफ्तार में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काम करती हुई दिखेगी। इसी बीच बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो 4 तारीख को यानी कल पंचकुला आ रहे हैं, पंचकुला में उनका पंचकुला के भाजपा के कार्यकर्ताओं से उनकी बैठक होने जा रही है। उसके बाद 6 तारीख को पंचकुला में एक बड़ा रोड शो जो है वो होने जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, और देर शाम को 6 जनवरी को जेपी नड्डा हरियाणा भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। तो ये माना जा सकता है कि संगठन विस्तार के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा आ रहे हैं, और जो नया संगठन बना है इसके बाद एक बार पार्टी के प्रदेश के जो बड़े नेता हैं उनकी नब्ज टटोलेंगे और 2024 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आपको बता दें कि नई टीम का ऐलान हुआ है, नया जोश, और नए जोश के साथ एक बार फिर पूरी पार्टी मैदान पर उतरती नजर आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।